हरियाणा में आप देखिए तेजी से आंकड़े बदले और बीजेपी रुझानों में बहुमत पा चुकी है। हरियाणा में बीजेपी रुझानों में बहुमत पाते हुए 46 सीटें, 39 पर कांग्रेस है। ये नंबर्स एकदम से बदल गए, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल पिक्चर चेंज होती हुई बहुमत में पहुंच चुकी है हरियाणा में बीजेपी रुझानों में, और ये दूसरे तीसरे राउंड की गिनती होगी। देखिए इलेक्शन कमीशन के भी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जो उनका आंकड़ा दिखा रहा है वो वहां पर भी 71 सीटों का दिखा दिया है उन्होंने, बहुत अंतर बढ़ता हुआ। तो देखिए 47-38 इस तरह से तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में पूरी तरह से तस्वीर इस वक्त बदली है। जम्मू कश्मीर पर भी लेकिन नीचे नजर रखिएगा, वहां पर भी तस्वीर बदल रही है। लेकिन ये देखिए किस तेजी से हरियाणा में 49-36, ये मतलब आप देखिए 13 सीटों का फासला हो गया, पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हरियाणा का चुनाव जलेबी होता जा रहा है, राहुल गांधी फिर याद आ रहे हैं। ये तो मैदे में सीरा जाएगा कैसे, ये सवाल खड़ा हो गया है कि जलेबी तो बन गई, सीरा कैसे जाएगा फैक्ट्री में। तो 37-47 बीजेपी बहुमत के आंकड़े से आगे निकल गई है। इस वक्त रुझान में तस्वीर दिखाई दे रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत। और राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राधिका जी स्वागत है आपका टीवी नाइन भारतवर्ष पर। अभी तक तो पिक्चर कुछ और थी, पता नहीं शायद आप लकी मास्कट हैं, शुभ आपके समय आते पर ही पिक्चर चेंज हो गई। अभी हम सवाल कुछ और पूछने वाले थे इनसे, लेकिन अब तो अब सवाल बदल गया, पिक्चर बदल गई। 47 रुझानों में बीजेपी, आपके चेहरे की 3 नंबर की मुस्कान बता रही है कि अब जाके सांस में सांस आई राधिका जी। देखिए मैं लगातार कई दिनों से ये कहती आ रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं वो नतीजे आएंगे। हम सबको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश के लोकसभा चुनाव भी याद हैं, बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आए थे। लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात है, हमारे हिंदू सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, भारत की, हमेशा से ये कहा जाता है कि काम होने से पहले या नतीजा आने से पहले बहुत जल्दी मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। और वो जो जलेबियां बांटनी शुरू हो गई ना कांग्रेस दफ्तर के ऊपर, तो वो कहते हैं ना कि उल्टा पड़ जाता है, वही उनके साथ हो रहा है। और ध्यान आराम से रहना चाहिए, देश की जनता ने काम के ऊपर वोट दिया और हम अभी भी कह रहे हैं नतीजे इससे भी बेहतर होंगे धीरे धीरे। वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हमारा काम बोल रहा है और वो काम इस समय आंकड़ों पर दिख रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह थी, जो कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटने का काम किया, जाति धर्म के नाम पे बांटने नहीं, राधिका जी, लेकिन ऐसा क्या है अगर ये पिक्चर अभी बदली है तो अभी तो 2-3 राउंड हुए हैं, अभी तो बहुत सारे राउंड बाकी हैं, हो सकता है पिक्चर और बदल जाए। आंकड़ा फिर देखिए, अंतर फिर कम होता हुआ, कांग्रेस 40 पर पहुंच गई, 46 अभी भी बीजेपी है। और देखिए धीरे धीरे मैं कह रही हूँ अभी और बेहतर होगा, आपके पास और आधे घंटे तक बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाएगी। और हम दोनों प्रदेशों में, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ, शाम को मुझे अपने शो पे बुलाइएगा जरूर जरूर, यही बात कर रहे होंगे जी, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। आप दोनों प्रदेश की बात करिए, जम्मू कश्मीर में फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर आगे चल रही है रुझान, जहाँ हरियाणा में बदला है हमें जी, तो जम्मू कश्मीर में अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्थानीय पार्टी है, लेकिन हम नेशनल पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस का क्या नतीजा आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? दो नेशनल पार्टीज कहाँ पे हैं इस समय पे? भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें हैं ऑन आर ओन और कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें? लेकिन 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 राधिका जी, हम और दर्शकों को बता दें तस्वीर कैसे बदल रही है। हरियाणा में खेल फिर बदल गया है, देखिए किस तरह से बदल रहा है खेल, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है हरियाणा में इस वक्त। बहुत दिलचस्प चुनाव और बहुत दिलचस्प नतीजे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जो रुझान है उसमें बीजेपी 45, कांग्रेस पार्टी 42, INLD 1 पर अन्य के खाते में 2, यानी साफ तौर पर है ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, कांटे की टक्कर है। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक पार्टी सीधे तौर पर आगे तो है, शुरुआती रुझानों में जो एक तरफा दिख रहा था वो अब नहीं रहे, एक तरफा नहीं की टक्कर है, ये एक तरफा नहीं है, कांटे की टक्कर है। और अब चलते हैं डेटा मुशाह के पास, समीर ओवर टू यू। जी हाँ, हरियाणा में पूरा खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है गौरव, ये बहुत अहम है। और इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जो डेटा हमारे सामने है उसे एनालाइज करके क्या पता चल रहा है डेटा मुशाह, ये हो क्या गया, ये तो खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये है 2019 असेंबली का इलेक्शन रिजल्ट। सबसे पहले आप हमें सीटें दिखा दीजिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बीजेपी कितनी सीटों पर आगे चल रही है। अभी देखिए, अभी प्रेजेंटली 38, 36, 113, तो 2 सीटों का फासला है। 38 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, INLD 1 सीट पर आगे चल रही है। लेकिन वोट परसेंटेज पिछली बार जब हम एनालाइज कर रहे थे 4% का फासला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो अब क्या है? अभी देखिए, ये बीजेपी 37.38% और कांग्रेस 41.45%, यानी वोटों
का जो वोट परसेंटेज में भी जो फासला है वो कम होता जा रहा है। नहीं, 4% के आपका गैप है, 4% के आसपास, 4% टू कॉर्नर इलेक्शन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है, ये अगर मैप में मैं समझाने का थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए एक पैच बीजेपी पूरा जीत रहा है, आप समझ रहे हैं, ये वाला जो पैच है आप देखेंगे, ये सब सीट तोसम, जो तोसम में सभी लोगों को लग रहा है श्रुति शायद प्रॉब्लम में होगा, अभी 1000 वोट से आ गए है। ठीक है, तो ये जो ये बेल्ट है और ये यादव जो बेल्ट है आप देखेंगे पूरा ये जो रेवरी आप देखेंगे जहां पर कांग्रेस के एमएलए है, तो ये बेल्ट स्वीप कर रहा है और ये वाला कर्नल वाला बेल्ट स्वीप कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए बाकी जो ट्रेंड आने वाला है वो देखिए ऊपर का ये जाट बेल्ट से आने वाला है। नतीजों के लिहाज से भी तस्वीर हरियाणा में पलटती हुई नजर आ रही है क्या? एकदम पलटती हुई नजर आ रही है, बहुत क्लोज कंटेस्ट है। बट अभी देखिए ये जो नंबर है इसमें क्या बीजेपी आगे दिखाई दे रहा है, बट एज वोट शेयर में 4% में कांग्रेस आगे है। तो मुझे लग रहा है जो फाइनली कांग्रेस को फाइनली मतलब आप जो रहा है ये तो ट्रेंड है, अभी फर्स्ट राउंड काउंट हो रहा है, काउंटिंग चलता रहेंगे। ठीक है, कांग्रेस ही फाइनली आगे रहेगा, अगर जब तक ये वोट शेयर में इक्वल नहीं आ जाता है तब तक ये लीड रखना मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए अभी तक जितना ट्रेंड आया है अभी ये हरियाणा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही अभी सीटों में बीजेपी आगे चल रही है रुझानों में, लेकिन वोट शेयर में जो 4% का फासला है उससे ये लग रहा है कि बहुमत हासिल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर रुझानों के हिसाब से। देखिए अभी तक जो है 38, 39 है, अभी भी क्या है 11 सीट्स का आपका बाकी है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो 11 सीट्स कहां से आएगा अभी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैच वाइज रिजल्ट आ रहा है। अब अगर ये सब सीट का रिजल्ट आ रहा है, और अभी हर्षवर्धन जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर जाट वोट बैंक और एससी वोट बैंक कंसोलिडेट हो गया तो फिर तो ये 60 के पार पहुंच जाएगी कांग्रेस पार्टी, ये हुआ नहीं है ना? वो क्लियरली हुआ नहीं, आप देखेंगे ये मैप में अगर दिखाता हूं। ठीक है, अगर एससी कैटेगरी सीट्स है, आप देखिए अभी तक सीट टैली में कांग्रेस 8-6, मतलब जहां पर एससी रिजर्व है वहां पर कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था अगर 14 सीट का जो ट्रेंड आया उसमें 10-4 होना चाहिए, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, बट क्या है हर जगह में फर्स्ट राउंड का काउंटिंग है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, आगे और एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी तक क्योंकि वोट परसेंटेज में शाम तक ये हरियाणा का शाम तक चलेगा। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है, कांटे की टक्कर फिलहाल हरियाणा में हो गई है। सुमेरा जी, समीर, तो जिस चुनाव के बारे में कहा जा रहा था कि ये तो छोटे प्रदेश हैं, जल्दी नतीजे आ जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी, वहां कांटे की टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, यानी अब आखिरी राउंड तक भी कुछ सीटों में फैसला होगा कि कौन सी सीट किसके पक्ष में जा रही है। तस्वीर देखिए किस तरह की इस वक्त दिखाई दे रही है, बीजेपी 44, कांग्रेस पार्टी 41, कांटे की टक्कर हरियाणा में। नीचे जम्मू कश्मीर के जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी बीजेपी 24 पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी 49 पर है, लेकिन यहां पर भी अन्य के खाते में 14 सीटें जा रही हैं, यानी निर्दलीय और अन्य 14 सीटों पर आ गए, पीडीपी 3 पर। बशीर साहब, हम हरियाणा की बात बार-बार कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी बदल रही है लगातार, यहां पर भी पहले हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे वहां पर इंडिपेंडेंट को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहां 14 आगे चल रहे हैं। नहीं, इंडिपेंडेंस में ये देख लीजिएगा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन 3 सीट्स पे लीड कर रहा है और अल्ताफ बुखारी 2 सीट्स पे लीड कर रहा है जी। तो जो जिनको हम निर्दलीय कहते हैं, जैसे जमात इस्लामी, इंजीनियर रशीद एंड अदर्स, और इसमें 2 प्रॉक्सीज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगेंस्ट अलायंस कैंडिडेट, एक शुपयाम में और दूसरा बटमालू में, वो लीड कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है सर, इस पर आगे बात करेंगे, अभी 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 हरियाणा में क्योंकि खेल बदला है, हरियाणा टोटली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा में लेकिन चेंज हुआ है ना, वहां पे बात करनी जरूरी है, हरियाणा में ज्यादा बड़ा चेंज हुआ है, 44 पर बीजेपी, अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हरियाणा में इस वक्त अभी तक के रुझानों में आगे दिख रही है, कांग्रेस 41 पर, जेजेपी को 1 भी सीट नहीं, 2 पर INLD, 3 पर अन्य। हरियाणा में क्या खेला होगा हर्षवर्धन जी, हरियाणा में ये एकदम से जो पिक्चर बदली है, क्या आपको लगता है कि अगला 1 घंटा बहुत क्रूशियल है? और हर्षवर्धन जी, अभी जो हमारा डेटा सेंटर में बाबू डेटा मुशाए बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जो कंसोलिडेशन की आप बात कर रहे थे वो नहीं हुआ है, यानी जो कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी जो रिजर्व सीट्स हैं वहां पर उस तरह की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, तो कंप्लीट कंसोलिडेशन नहीं है, क्या इस वजह से ये तस्वीर दिख रही है? जो अभी उन्होंने कहा ना, वही इस पूरे चुनाव का एक तरह से कहें कि अगर धुरी समझे, सेंटर थीम समझे, तो वही है। आप सोचिए, दलित जाट कंसोलिडेशन की बात हो रही थी पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में, संविधान, आरक्षण, लाल किताब, वो राहुल गांधी लेकर घूमते थे, इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने उसकी चर्चा तक नहीं की, इसका क्या मतलब हुआ? और जो शैलजा बार बार कह रही थी, जो कहा जा रहा था कि शायद नहीं हुआ,
इसका मतलब दलितों ने खुद को अपमानित महसूस किया और ये कांग्रेस के लिए बड़ी खतरे की घंटी होगी अगर एक ही चुनाव में दलित लौट जा रहा है। और समझिए इसको, क्योंकि अब उनके पास दूसरा कोई नहीं है, जो ये आंकड़ा दिखा रहा है अन्य के पास अगर नहीं जा रहा है, रीजनल पार्टीज के पास नहीं जा रहा है, तो फिर आंकड़ा एकदम से बदलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी 50-60 सीटों पर ही ताकतवर है, उसमें से भी अगर वो 44-45-46 जीत रही है, इसका मतलब दलितों का एक बड़ा वर्ग जो 24 में कांग्रेस की तरफ गया था वो वापस लौटा है। इसका एक और सवाल है यहाँ पर, अगर देखिए 45 और 40 हो गया, 45 पर बीजेपी आगे, 40 पर कांग्रेस पार्टी आगे, ये आंकड़ा बदल रहा है लगातार। ये गौरव बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर, 45 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 40 सीटों पर आगे। समीर आपको याद होगा सुबह जो नंबर्स थे वो नंबर्स एकदम से बदले हैं और एकदम से कांटे की टक्कर हो गई। मैं यही पूछ रहा था अशोक वानखेड़े जी से, अशोक जी क्या ये नंबर्स ये बताते हैं कि वो पहलवान, किसान, नौजवान, संविधान और जवान ये नहीं चला? जिस हिसाब से आंकड़े बदल रहे हैं, हाँ, इसके पहले भी जो ओपनिंग में आंकड़े थे वो अलग थे, हाँ, फिर बदले हैं। और अक्सर जो छोटे हाउसेस होते हैं 90-100 के अंडर, वहाँ पे आपको 4 बजे तक ट्रेंड बदलते हुए दिखाई देते हैं। और गोवा के चुनाव में अक्सर जीती हुई पार्टी 6 बजे तक हार जाती है, हाँ, ये भी हमने देखा है, हाँ। तो मुझे अभी भी, क्योंकि हाउस छोटा है और ये पहला ही राउंड है, शायद मैं इंतजार करूंगा। और हरियाणा में ये बड़ा दिलचस्प हो गया है, हाँ। हर्षवर्धन जी अभी डेटा मुशाई भी यही बात कह रहे थे कि हो सकता है पूरी तस्वीर सामने आने में शाम हो जाए, शाम के 4 बज जाएं, 4% का ये जो वोट परसेंटेज में अंतर नजर आ रहा है वानखेड़े जी, इसे आप कैसे देखेंगे वहां पर कांग्रेस को? जो अशोक जी कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा पॉइंट आउट करता हूँ या कहिए कि काउंटर करता हूँ, ये तो फिर कांग्रेस के लिए बड़े खतरे का संकेत है ना। आप ये कह रहे हैं कि मोदी की छवि अब उस तरह की नहीं रही, हरियाणा का चुनाव भाजपा ने उस ताकत से नहीं लड़ा, उनके साथ अब कोई रहा ही नहीं, जाट डोमिनेंस दिख रहा था, उसके बावजूद अगर ये स्थिति है तो खतरनाक है। एक मिनट, मैंने क्या कहा? आपके जो सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि 4% का डिफरेंस 1-to-1 में बहुत बड़ा होता है, और ये 4-5 बजे तक भी फाइनल आएगा। तो अभी मोदी सही थे, विनेश फोगाट सही थे, फोगाट कुछ कह रही है, विनेश फोगाट कुछ कह रही है, सुन लेते हैं विनेश फोगाट क्या कह रही है। यदि ये 70 पहुंच जाते हैं शाम तक तो फिर क्या कहोगे? विनेश फोगाट को सुनते हैं, वो क्या कह रही है, ताकत है, हाँ फिर तो अभी तो इंतजार तो कीजिए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ 4% आप समझ। अच्छा, विनेश फोगाट के बारे में बताएंगे आपको, विनेश फोगाट अभी कुछ कह रही है। अपडेट आ रही है लाडवा से, नायब सिंह सैनी आगे हो गए हैं, मुख्यमंत्री काफी देर से हम देख रहे थे पीछे चल रहे थे, अब वो आगे हो गए हैं, सिरसा से गोपाल कांडा पीछे हो गए हैं, कैथल से आदित्य सुरजेवाला पीछे हो गए हैं। हमारे साथ देखिए, अच्छा एक बार विनेश फोगाट को सुन लेते हैं। अनकोइंसिडेंटली बाय अ टीम लेड बाय द प्रेजेंट एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग का मतलब हार थोड़ी गए, इसलिए बोलना पड़ेगा। हमारे राष्ट्र अपनी ड्यूटी पहले कर लो, ड्यूटी कर दो। विनेश फोगाट से बात करने की कोशिश कर रहे थे पत्रकार, क्या कहती हैं वो आपको सुनाएंगे। जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं, फिलहाल जो ताजा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक जुलाना से विनेश फोगाट पीछे। विनेश फोगाट जो कहेंगे अभी सुनाएंगे आपको, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी को लाइए स्क्रीन पर अगर वो जुड़ चुके हों तो। अखिलेश जी, एकदम से तस्वीरें और आंकड़े बदली हैं हरियाणा की, बीजेपी अब 44 सीटों पर है, 41 पर कांग्रेस है। शुरुआत में आप लोग एक तरफा आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे, क्या उम्मीद है अभी? अभी भी पूरी उम्मीद है जीतेंगे, सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहाँ की जन भावनाओं के साथ है। बीजेपी ने हरियाणा के नौजवान हो, किसान हो, पहलवान हो, इन सारे लोगों को सिर्फ 10 साल अपमानित तो किया है, कोई काम तो किया नहीं, विकास तो किया नहीं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की जो लगभग 9 साल तक मुख्यमंत्री थे जी, उनको भी चुनाव में आगे नहीं किया क्योंकि उनकी निगेटिविटी का असर ना पड़ जाए। तो अभी भी पूरा हम सबको, पूरे देश को विश्वास है, भरोसा है हरियाणा की जनता पे कि वहाँ पे स्पष्ट बहुमत की सरकार कांग्रेस की ठीक है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये आपको भरोसा है। राधिका खेड़ा बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका जी, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रही थी कि जाट वोटर्स और एससी वोटर्स कंसोलिडेट होकर कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, वैसा तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है ना कांग्रेस के साथ, वो सिर्फ हमारे समाज का विभाजन करना चाहती है, जाट वोटर,
एससी वोटर और हिंदुओं को बांटना, हर धर्म को बांटना, जातियों में बांटना, वो अपनी सारी कॉन्सेंट्रेशन उसमें रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वो काम करने में व्यक्त करती है। अब यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता का विकास नहीं हुआ। अरे हम कांग्रेस की सरकार नहीं है जहाँ पे सिर्फ दो परिवारों का विकास हुआ, हुड्डा परिवार और गांधी परिवार। इसीलिए नतीजे आज भी 10 साल बाद भी आपके पास मेजोरिटी नहीं आ रही है, अभी भी आप बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। जो लगातार ये कह रहे थे कि हमने विकास नहीं किया, अरे विकास किया तभी वो सीटों में दिखाई दे रहा है। लेकिन राधिका जी, चार फीसदी का फासला है वोट परसेंटेज में, बीजेपी से 4% वोट परसेंटेज ज्यादा नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, तस्वीर बदल भी सकती है। समीर जी, सीटें तो अभी हमारी ही ज्यादा है, वोट परसेंटेज आप गिनवा रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप ये मानती हैं राधिका आपकी सीटें अभी ज्यादा हैं, लेकिन अभी फाइनल नंबर्स नहीं है। अगर इन्हीं के आधार पे बात करें तो क्या आप मानती हैं कि खट्टर जी को 9.5 साल के बाद हटाकर नायब सिंह सैनी को लाने का बीजेपी का दांव काम कर गया? देखिए 10 साल में हम आप कंपैरिजन करते हैं कि 10 साल की हुड्डा साहब की सरकार रही, अब भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही, 10 साल की कांग्रेस की सरकार जब हटी तो उनके क्या नतीजे थे? क्या ऐसे आंकड़े आ रहे थे जब चुनाव की काउंटिंग हो रही थी? आप भी तब भी हम लोग डिबेट पे थे, तब भी आप जॉन से भी चैनल में थे, लेकिन ऐसे नतीजे नहीं आ रहे थे कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी शुरुआत में ही पीछे बैठ के सिमट गई थी, और इस समय अगर 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर 43 पर है, आप लोगों ने तो राइट ऑफ कर दिया था सुभाष, ठीक है, कई जगह बहुत सारी जलेबियां बंट रही थी, बोला जा रहा था कि मोदी जी को जलेबी खिलाई जाएगी, अब तो मेरे को परेशानी ये हो रही है कि ये लोग कहीं जलेबी फेंक ना दे। रुके, आपको बीजेपी आपसे आगे निकलती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे जो ट्रेंड अभी आ रहे हैं हरियाणा से? नहीं नहीं, आप देखो ऐसा नहीं है, हम जमीन की बात देख रहे हैं, जमीन की बात बोल रहे हैं, और आप देखेंगे जैसे जैसे ट्रेंड आगे चलेंगे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ये आप बाय एंड ऑफ द डे या काउंटिंग जब भी खत्म होगी 2-1 बजे तक, तब तक आप देख लेंगे। कांग्रेस पार्टी और आप कॉन्फिडेंट है कि सरकार बनाएंगे, लेकिन ट्रेंड्स अचानक बदल गए हैं, एक तरह का चेंज दिखाई? ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ राउंड्स होते हैं, हमें मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट कब टेकअप होती है। हरियाणा में सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की बन रही है तो वजह क्या, 10 साल बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है या कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है, सब लोग मिलकर लड़े? दोनों बातें हैं 10 साल की भारी एंटी इनकम्बेंसी, मिसरूल ऑफ बीजेपी, और दूसरा क्रेडिबल अल्टरनेटिव इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के हमने चुनाव लड़ा है, जमीन पर लड़ा है, हमारे नेतृत्व ने लड़ा है, राहुल गांधी जी की गाइडेंस रही है, तो आप देखेंगे कि चुनाव हम जीतेंगे और सरकार हम बनाएंगे। सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी आपकी बरकरार रहेगी मैम? देखिए दावेदारी और ये चलता रहेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल हम हैं उसमें, हम हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये कुमारी सैलजा जो कांग्रेस पार्टी, कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे, रजनीश उनसे बात कर रहे थे, दावेदारी एक बार फिर उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्तुत की है, और दावेदारी है, बिल्कुल है, ये कह रही है कुमारी सैलजा। साथ ही साथ इस बात का कॉन्फिडेंस भी उनकी तरफ से दिखाया गया कि उन्हें बहुमत मिलेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश जी कैसे आप देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ नहीं किया गया, इसका फायदा या नुकसान क्या होता आप देख रहे हैं? मौजूदा अगर आंकड़े की बात करें, इस वक्त जो आंकड़े हमारी स्क्रीन पर हैं उसकी अगर बात की जाए तो देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई नागपुर घराने से पर्ची नहीं आती है मुख्यमंत्री के नाम की। हमारे यहाँ कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होती है, पर्यवेक्षक बजाते हैं, बैठते हैं, सबकी रायशुमारी करते हैं, फिर पार्टी नेतृत्व और हाईकमान मिल के स्थानीय नेता, स्थानीय विधानमंडल दल अपनाए मुख्यमंत्री निर्णय करते हैं। वो जब हम स्पष्ट बहुमत में आ जाएंगे उसके बाद ये प्रक्रिया होगी, और उसके बाद इसका चयन होता है, और वो चयन बड़ा पारदर्शी होता है, सबको इस बात का, आप जितने भी कांग्रेस के विधानसभाओं के चुनाव हुए आपने देखा होगा, ये चुपके से आने वक्त पे पर्ची नहीं आती है कि इनकी पर्ची निकल गई, वाह 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 वाह, और वो मुख्यमंत्री ओथ ले लिए। आपने देखा होगा और राज्यों में जितने जगह बीजेपी आई, कहाँ से पर्ची आई थी, कौन थे वो, कोई जानता था उसके पहले, या कभी किसी ने नाम सुना था, या कभी वहाँ के संगठन में उनका कोई योगदान? अखिलेश जी रोकूंगा आपको, देखिए बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन के रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल गया है हरियाणा में। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल गया है।
इलेक्शन कमीशन, ये बहुत अहम है, आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन का डेटा अलग है और वो रुझानों में बीजेपी को बहुमत दिखा रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। खेल एकदम से पलटा है हरियाणा में, एकदम से तस्वीर पलटी है, एकदम से यहां पर आंकड़े पलटे हैं और अब बीजेपी को इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में 46 सीटें मिलती दिख रही हैं। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं वो अब आपके सामने है। हरियाणा में तस्वीर पलटती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 46 सीटों पर आगे यानी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में बीजेपी को, और कांग्रेस 33 सीटों पर आगे, INLD और BSP एक एक सीट पर आगे, निर्दलीय 5 सीटों पर आगे। बड़ा उलटफेर रुझानों में होता हुआ नजर आ रहा है और यह इलेक्शन कमीशन का डेटा हमारे सामने है। हर्षवर्धन जी, कैसे आप इसे देखते हैं? बीजेपी 46 यानी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक आंकड़ों में, रुझानों में तस्वीर पलट गई। नहीं समीर जी, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि तस्वीर पलट नहीं गई, तस्वीर पलटने से भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया है। और इसके अगर दोनों पहलू देखें, एक तो जिसकी चर्चा कम होती थी, जब हुड्डा जी गए थे तो 15 पे रह गए थे यानी साफ हो गए थे, जब वो आए थे तो 67 पे आए थे यानी बहुत जबरदस्त बहुमत से आए थे। एक लाइन की बात ये, क्या जाट डोमिनेंस नुकसान कर गया? क्या शैलजा जी लगातार जो कहती रही कि भाई हम तो हैं, हमारी दावेदारी है, और मंच पर कोई जाति सूचक अपमान कर देता है और पार्टी उस तरह से रिएक्ट नहीं करती है? सोनिया दुहन के साथ जिस तरह से मंच पर अपमान हुआ उस पर प्रियंका राहुल कोई बोलते नहीं, और जो लग रहा था कि राहुल गांधी को अब अवसर मिलेगा तो कोई दलित चेहरा आगे ले आएंगे, फिर से हुड्डा जी नजर आए। तो आप या तो लाठी चला सकते हैं या आप नैरेटिव सेट करते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। और अगर ये हुआ, चुनाव जीते और शैलजा मुख्यमंत्री नहीं बनी तब भी, और चुनाव हार गए राहुल गांधी के लिए उल्टा नुकसान। जी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो हरियाणा की जो लीडरशिप थी उसकी गुटबाजी इन नंबर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदार है? नहीं, गुटबाजी नहीं, ये सेंट्रल लीडरशिप का काम होता है ना। हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी में कम गुटबाजी? अनिल विज ने कहा हमको बना दो, नायब सिंह सैनी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव, यहां भी गुटबाजी है, लेकिन यहां किसी की ये स्थिति नहीं कि पूरे चुनाव में। और आप ध्यान से देखें, बीजेपी का स्टार कैंपेनर कौन था इस बार? राहुल गांधी नहीं थे, बीजेपी का स्टार कैंपेनर इस बार कुमारी शैलजा थी। लगातार वो जिस तरह से मुस्कुरा के धीरे से बोलती थी और सब कहती थी, ठीक है वानखेड़े जी, क्या आप ये बात मानते हैं क्या कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की रस्सा कशी भी इन नंबर्स के लिए जिम्मेदार है जो अभी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं? कांटे की टक्कर और कांग्रेस पीछे। यदि कांग्रेस पीछे जाती है और यही नतीजे रहते हैं जी, तो शैलजा वाला कार्ड जो बीजेपी ने खेल लिया और शैलजा उसको काउंटर नहीं कर पाई तो ये उसके नतीजे हैं। ये मैं मानता हूं कि जब जाट और दलित एक हो जाता है तो हरियाणा स्वीप करता है चाहे कोई भी पार्टी के साथ चला जाए। लेकिन क्या कुमारी शैलजा बीजेपी का जो, देखिए बीजेपी राजनीति करने के लिए आई है, भजन करने के लिए तो नहीं। जब जाट मतदाता चौटाला और हुड्डा के बीच में बटेगा जी, और एक जगह चंद्रशेखर को उतर गए थे, एक जगह मायावती जी उतर गई थी, मायावती जी का तो सबको पता है। हाँ। और उसके बाद शैलजा का साइलेंट होना, कोप भवन में बैठना, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जाता है। यही पूछ रहा हूं, आखिरी 4 दिनों में आप साथ में शांत शांत होना या इस तरह से बाकी तेवर अपनाना, कई बार कहना कि मैं सीएम बन सकती हूं, क्या ये सवाल? देखिए सीएम बनने के तो कई जगह कई लोग कहते हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं कहा होगा। सवाल ये है कि आप घर पे क्यों बैठे? आप डट के मुकाबला करते, मार्केट में आते, बाकायदा चुनाव में प्रचार में जाते। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के नतीजों में धांधली का आरोप लगा दिया है। पानीपत में काउंटिंग रोकी गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के पानीपत में काउंटिंग रोकी गई है, कांग्रेस का धांधली का आरोप है। ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट से आती हुई। तो पानीपत में काउंटिंग रोकी गई है, ये इस वक्त अहम खबर सामने आ रही है। लेकिन यहां पर हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी की यही परफॉर्मेंस रहती है, बीजेपी आगे निकल जाती है हरियाणा में, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? क्या वानखेड़े साहब ये मैसेज वाकई चला गया क्या कि हरियाणा अगर में कांग्रेस अगर जीत भी जाती है तो कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे? सवाल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहता है कि आला कमान, शैलजा भी कहती है कि आला कमान, हाँ। सुरजेवाला भी कहते हैं कि 3 दावेदार है इसमें, मैं भी हूं। अब आला कमान क्या तय करेंगे? आला कमान ये देखेंगे कि जाट डोमिनेंस पॉलिटिक्स कंटिन्यू रखनी है या फिर दलित का भी चेहरा आगे लाना है।
या उनको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनने के बाद सारा कोटा पूरा हो गया। सर नंबर्स बहुत तेजी से बदल गए, 45 और 38 हो गया। देखिए ये एक बार फिर से बीजेपी बहुमत 46 हो गया, बीजेपी बहुमत पार्टी रुझानों में और 37 पर कांग्रेस। मैंने क्या कहा, बीजेपी कई बार बहुमत क्रॉस करेगी, कई बार नीचे आएगी, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। मैंने फिर कहा को आपको 12 बजे के बाद एक ट्रेंड सेटल होने की स्थिति आ जाती है, तब जाके बात करने की स्थिति में है। और मैं फिर कह रहा हूं कि कई छोटे राज्य जो होते हैं वहां आखिर तक छोटे छोटे एक एक दो दो सीट, क्योंकि यहाँ पे 3-4 सीटों में खेल होता है। पांच सीटें आप बोल नहीं सकते कि 5 सीटें हैं तो इधर से उधर हो गया। 90 के हाउस में क्या यही वजह है, आप हाथ उठा रहे हैं, क्या यही वजह है कि जाट वोट बैंक और एससी वोट बैंक कंसोलिडेट नहीं हो पाया कांग्रेस पार्टी के फेवर में? वरना अगर ऐसा होता तब तो स्थिति बिल्कुल अलग ही नजर आती। 48 बीजेपी, 35 हर्षवर्धन जी, शुरू से ये बात कह रहा हूँ, एग्जिट पोल के समय भी मुझे वही संदेह दिखा, जब दलित जाट मिलेगा तो 70 के नीचे का आंकड़ा हो ही नहीं सकता, 65-70 के नीचे। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो शैलजा लगातार कहती रही वो कहीं ना कहीं दलितों को कुछ समझ में आया। ये ठीक वैसे ही है जैसे राहुल गांधी पूरे लोकसभा चुनाव में कहते रहे संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, उससे ये कनेक्ट होता हुआ दिखा, नंबर एक। नंबर दो ये जिसको समझना बहुत जरूरी है, अगर 4% मतों का अंतर है, मैं बार बार समझा रहा हूं, हरियाणा में भाजपा 90 में सिर्फ 60 सीटों की पार्टी है, 30 सीटों पर वो बहुत माइनर पार्टनर है, ऐसे में अगर 60 सीटों पर सिर्फ 4% का अंतर है, इसका मतलब बीजेपी क्लियर कट मेजोरिटी की तरफ जा सकती है। आंकड़े अभी बदलेंगे लेकिन अगर हरियाणा में डेटा के लिहाज से ये भी एक बात बदलती हुई नजर आ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इस डेटा को एनालाइज करने की जरूरत है। एक बार सीधे रुख करेंगे सुमेरा का, जिनके साथ इस वक्त पार्था मौजूद है। जी हाँ समीर, और बहुत दिलचस्प क्योंकि जो चुनाव के नतीजे वो हरियाणा के सामने आ रहे हैं, तस्वीर यहाँ पर बहुत उलझी हुई दिखाई दे रही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं आंकड़ों के जरिए। लेकिन हम ये बताएंगे कि वोट शेयर में कांग्रेस पार्टी आगे है लेकिन सीट में बीजेपी आगे कैसे है, लेकिन उससे पहले हम ये फैमिली ट्री दिखा देते हैं क्योंकि इन परिवारों के बारे में भी बहुत चर्चा होती रही है इस चुनाव के दौरान कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जब शुरुआत हुई थी तो लग रहा था कि शायद सफाया हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो भजनलाल के परिवार से कांग्रेस पार्टी से चंद्रमोहन बिश्नोई हैं जो पंचकुला से चुनाव लड़ रहे हैं, आगे हैं, पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे हैं। भव्य बिश्नोई आदमपुर से आगे चल रहे हैं, ये भजनलाल के पोते हैं बीजेपी से, और बीजेपी से धूड़ाराम बिश्नोई फतेहाबाद से आगे चल रहे हैं, यानी ये तीनों कैंडिडेट जो भजनलाल के परिवार के हैं वो आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरा परिवार बंसीलाल का परिवार, इसकी भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बंसीलाल के परिवार से श्रुति चौधरी तोशाम से आगे चल रही हैं, पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती हैं, और कांग्रेस पार्टी से अनुरुद्ध चौधरी तोशाम से पीछे चल रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त के तस्वीर है इस वक्त देखिए वो बीजेपी 48 पर और कांग्रेस पार्टी 35 पर, बहुमत के आंकड़े से आगे बीजेपी और बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे कांग्रेस पार्टी फिलहाल दिखाई दे रही है, सीटों में पीछे है, वोट प्रतिशत में आगे। अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, नहीं नहीं वो तो अभी दो राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद, हाँ 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे, कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं, ये पार्टी फैसला करती है। सर क्या सपोर्ट है साहब, बड़े बीजेपी के बड़े पिछड़ते हुए बीजेपी के बड़े लीडर सरकार बनने जा रही है भाई? सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू ऑनली? नहीं, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी, मेजोरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ, क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी राहुल गांधी जी, मल्का खड़गे जी, रिंका जी एंड ऑल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड रियल क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ हरियाणा। What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. Sir,
काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं कहीं क्लोज है कहीं कहीं है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये कहना कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस वक्त अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पीछे दिख रही है। उनका ये कहना है कि ये मालूम था हमें कि कहीं कहीं पर टक्कर है, कांटे की टक्कर है, कुछ सीटों पर आगे पीछे होगा, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा अभी भी इस बात पर बने हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा और वो सरकार बनाएंगे। उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया सभी लोगों का, हरियाणा की जनता का भी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का भी, लेकिन एक एक करके आने को सबको देंगे ऐसा बोल रहे हैं, एक एक करके सबको बोल रहे हैं, लेकिन कोई माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना लगातार कि सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कैसे बनेगी सरकार, आंकड़े क्या कह रहे हैं और उनका विश्लेषण भी हमें करने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि तस्वीर देखिए किस तरह से, सीएम का फैसला पार्टी करेगी, ये पार्टी को फैसला करना है, कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, लेकिन सरकार बीजेपी कांग्रेस पार्टी की बनेगी, बहुमत उनका होगा, ये वो कह रहे हैं, लेकिन तस्वीर ऐसी अभी दिखाई नहीं दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी भी उम्मीद है कि बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें किस तरह की तस्वीर दिख रही है, हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं, जो आंकड़े इस वक्त कह रहे हैं उन कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला है, ये हुड्डा ने स्वीकार किया और वो दिख रहा है। लेकिन देखिए फैमिली ट्री हम आपको दिखा रहे थे और इस फैमिली ट्री को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन इन परिवारों के बारे में कहा जा रहा था कि इनका जो सिक्का है वो इस बार नहीं चलेगा हरियाणा चुनाव में। तस्वीर जो अब दिखाई दे रही है उसमें भजन लाल के परिवार के जो तीनों सदस्य हैं वो अपनी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो पंचकुला से आगे हैं, भव्य बिश्नोई आदमपुर से बीजेपी से हैं वो आगे चल रहे हैं, और बीजेपी से ही दूड़ाराम बिश्नोई फतेहाबाद से वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये भजन लाल के परिवार के तीनों सदस्य आगे चल रहे हैं, तो वहीं बंसीलाल के परिवार की जो श्रुति चौधरी हैं वो आगे चल रही हैं, लेकिन बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी जो कांग्रेस पार्टी से तोशाम से चुनाव लड़ रहे थे, यानी आमने सामने हैं ये एक ही परिवार के सदस्य आमने सामने, और यहां पर श्रुति चौधरी आगे चल रही हैं लेकिन अनिरुद्ध चौधरी पीछे। श्रुति चौधरी की जो मां है उनको बीजेपी में शामिल कराया गया था और उसके बाद श्रुति चौधरी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इन आंकड़ों को समझने के लिए हमारे साथ पार्थो मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। पार्थो, अब बड़े सवाल यह है कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो ज्यादा हैं, वोट शेयर कम है, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर उनसे ज्यादा है, इसको कैसे हम समझे कि ये क्या तस्वीर हमें दिखा रहा है? नहीं, कहीं पर कंसोलिडेशन है, जैसे पहले ये दिखा देते हैं, देखिए ऑलरेडी सभी का 90 का ट्रेंड आ चुका है, ठीक है, तो 90 का ट्रेंड जो आ चुका है, ये देखिए ये 2019 का मैप था, अभी ये 2024 का मैप है। अब देखेंगे जो दो चीज मुझे दिखाई दे रहा है, एक है श्रुति चौधरी पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद पार्टी चेंज किया था, तो आप देखेंगे उन्होंने जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी भिवानी के अंदर आता है, उधर जो 9 सीट है, 9 में कांग्रेस एक भी सीट में लीड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ ये देखिए यहाँ पे बीजेपी इन सब सीटों पर लीड कर रही है, एक ही सीट है अटेली जो सरप्राइजिंग है, राव इंद्रजीत सिंह का उनका बेटी जो लड़ रहा है, उधर बीएसपी अभी आगे है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर मैं ये हटा दूं, ये जो बेल्ट है, ये जो नीचे वाला जो बेल्ट है, आप देखेंगे एकदम नीचे वाला बेल्ट, इधर बीजेपी पूरा स्वीप कर रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा यादव बेल्ट है, और भिवानी साइड में लग रहा है जाट वोट शिफ्ट हुआ है बीजेपी के साइड में, यानी श्रुति के इधर आने से या उनकी उनकी माता जी के बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा हुआ है, फायदा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सीटें जो पहले उनके पास नहीं थी इस इलाके में, वो इस इलाके में दिखा रहा है। और सेकंड क्या है, कर्नल का आजू बाजू में आप देखेंगे ये जो सीट शायद ये आपका पानीपत सिटी, ये जो बेल्ट है, तो ये जो बेल्ट में आप देखेंगे एक कर्नल का पूरा साइड में आप देखेंगे बीजेपी कंसोलिडेट कर पा रहा है। तो देखिए बीजेपी का ये तो इनके प्रभाव का इलाका बीजेपी ये है। प्रभाव का इलाका है, तो ये जो बिल्ड बीजेपी ने इम्प्रूव कर दिया, यहाँ बेहतर किया, तो ये फर्क डाल रहा है। लेकिन बीजेपी एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है ना पार्थो, कि जो बीजेपी अभी जिस वोट शेयर पे है इतना ही वोट शेयर उसका 2019 में था जिस पर उसे 40 सीटें मिली थी, हाँ हाँ। तो वो उसी सेम वोट शेयर पे पहुंच चुकी है, यानी बीजेपी जहां पर थी 2019 में वहां तो अभी खड़ी हुई है। नहीं देखिए ये देखिए अभी प्रेजेंट वोट शेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस 28 से जंप किया 40, यानी ये बाकी तमाम दलों का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के पास आ रहा है। नहीं देखिए मेन जो है जेजेपी का 14.7 था, वो ये जेजेपी ये 0.9 में आ गया,
आप समझ रहे हैं, मतलब 1% वोट शेयर में आ गया। तो ये वोट ही शिफ्ट हुआ, मोर और लेस इधर शिफ्ट हुआ। बीजेपी, बीजेपी का जो वोट 2019 में था वो वही है, वो वही कर पाया, साथ में 2% बढ़ा पाया, ठीक है। आप देखेंगे इंडिपेंडेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 10%, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट आया है वो देखिए, अभी अभी जब देखिए प्रेजेंट कौन कौन इंडिपेंडेंट आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक ये वाला इंडिपेंडेंट आ गया है बहादुरगढ़ में, राजेश चून जी, ये क्या जाट है, ठीक है। आप देखेंगे ये गनौर में देवेंद्र कलियान, ये भी जाट है, ठीक है। आप देखेंगे ये वाला पार्ट है चित्रा सरवारा, ठीक है, ये तो कांग्रेस का ही मोरलेस डमी कैंडिडेट था, मतलब उसे कैंडिडेट नहीं दिया। तो क्या है, ये बेल्ट में ये जो कर्नल साइड में जो जाट वोट है ये कांग्रेस कंसोलिडेट कर नहीं पाया, और भिवानी बेल्ट में जो जाट वोट है, यानी पूरा जाट वोट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला है, नहीं मिला। अब देखिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये हुड्डा परिवार के वर्चस्व के भी खिलाफ क्या क्या वोट है, और इस वजह से भी क्या इंडिपेंडेंट भी कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर वोट मिल रहा है? नहीं देखिए, कुछ राजेश चुन जैसे बेहतर कैंडिडेट था, कांग्रेस ने डिसाइड किया कोई सिटिंग एमएलए टिकट नहीं काटेंगे, तो इसको इसलिए इधर ये इन्होंने लीड कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को बहुत अच्छा करना चाहिए, सोनीपत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लेंगे, सोनीपत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंस में 9 सीट में अगर देखेंगे कांग्रेस सिर्फ 1 सीट में आगे है, ठीक है। आप देखेंगे ये सब सीट जीता हुआ है, आप देखिए आपने हिसार सीट, हिसार जीता था कांग्रेस ने, हिसार सीट पार्लियामेंट में कांग्रेस जीता था। अभी देखिए इधर सीट टैली में भी देखेंगे बीजेपी 3 में आगे है। तो क्या है, सोनीपत जो बेल्ट है जहां पर थोड़ा नॉन जाट पॉपुलेशन है, सोनीपत सिटी में पंजाबी पॉपुलेशन अच्छा खासा है, तो नॉन जाट कंसोलिडेशन ये क्लियरली दिखा, यानी अगर एक तरफ जाट कंसोलिडेशन हुआ है तो रिवर्स कंसोलिडेशन भी हुआ है। जाट कंसोलिडेशन जिस तरीके से सोचा गया था उतना नहीं हुआ, रिवर्स कंसोलिडेशन ज्यादा हुआ। लेकिन आवाज ग्राउंड में इतना नॉइज था, उस नॉइज का चलते हुए क्या हुआ, नॉन जाट कंसोलिडेशन हुआ है। और एससी वोट आप देखेंगे अभी तक तो पूरा ऑलमोस्ट ट्रेंड ही आ गया, तो एससी वोट अगर देखेंगे मोर देन 20% कितना सीट है, आप देखेंगे 47 सीट से हरियाणा में जहां पर एससी वोट है 20% से ज्यादा है जी। सीट टैली में देखेंगे 22-22, तो कांग्रेस इधर एक्सपेक्ट कर रहा था ये जो 47 में अर्ली 33-34 सीट में आगे रहेंगे, वो नहीं हुआ। तो क्या एससी वोट भी नहीं आया, एससी वोट भी नहीं आया, और जाट का भी पूरा कंसोलिडेशन, जाट का भिवानी बेल्ट में जाट नहीं आया, और जाट का कंसोलिडेशन तो नहीं हुआ, लेकिन आवाज इतनी हुई कि जो रिवर्स कंसोलिडेशन है वो बीजेपी। अभी देखिए ये जो अभी जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में मुझे नहीं लगता है कांग्रेस अभी आपका समझ लीजिए जे सरकार या बहुमत में आएगी, जो अभी भूपिंदर हुड्डा दावा कर रहे हैं दाराबाद से, ये पीछे चल रहा है, ये सीट को माना जा रहा था कि यहाँ पर वो जीत सकते हैं। सुनैना चौटाला फतेहाबाद से पीछे चल रही हैं, पौत्र बुध हुई हैं ये देवीलाल की, रंजीत चौटाला फतेहाबाद से पीछे चल रहे हैं, बेटे हैं अर्जुन चौटाला रानिया से आगे चल रहे हैं, तो ये एक सीट है जहां पर उन्हें कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। INLD से आदित्य देवीलाल हैं, डब्बाली से पीछे चल रहे हैं, ये पोते हैं देवीलाल के। कांग्रेस पार्टी में है अमित सिहाग डब्बाली से, ये आगे चल रहे हैं, ये भी परपौत्र हैं, और जेजेपी से दिग्विजय सिंह चौटाला डब्बाली से पीछे चल रहे हैं, परपौत्र हैं। तो यहां पर सिर्फ 2 सीटें डब्बाली और रानिया, अर्जुन चौटाला और अमित सिहाग, ये 2 लोग आगे चल रहे हैं देवीलाल के परिवार के इन तमाम सदस्यों में से। तो ये जो परिवारों की सियासत है, ये जो विरासत की सियासत है, उसमें जेजेपी और INLD पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन श्रुति चौधरी आगे बढ़ रही हैं, उनके जाने से बीजेपी को फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये फिलहाल हरियाणा के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। लेकिन हरियाणा की तस्वीर बदली है, और पार्थो हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड था, जो उम्मीद नहीं की जा रही थी, वो तस्वीर अब हरियाणा में बनती हुई दिखाई दे रही है, एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट। Over to you, Samir and Gaurav. बिल्कुल सुमेरा, तो देखिए आपको यहाँ पर पार्थो और सुमेरा बता रहे थे कि क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डेटा कहता है, वोट शेयर क्या कहता है, और पार्थो के मुताबिक क्योंकि अब 10:30 बज चुका है तो ये जो नंबर्स हैं इनमें बहुत बदलाव हो ये दिखता नहीं है। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, 90 में से कुल 9 मंत्री थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, और अब ये रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिख रहा है, पहले शुरू में थोड़ा कम दिख रहा था, लेकिन अब आगे 6 मंत्री चल रहे हैं जीतने वाले में, अभी जीत नंबर फाइनल नहीं हुए इसलिए आगे 6 और 3 पीछे चल रहे हैं। करीब 67% का स्ट्राइक रेट मंत्रियों का दिख रहा है, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर। और एक बार फिर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के हवाले से भी अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन जी, तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। एक अहम अपडेट है, राव इंद्रजीत की बेटी पीछे हो गई हैं, और अंबाला कैंट से अनिल विज लगातार पीछे चल रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
प्रभु चावला जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, कैसे आप देखेंगे हरियाणा में तो तस्वीर बिल्कुल पलटती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में रुझानों में कहा 60 से भी आगे निकलती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही थी, अब कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है 34 पर और 49 सीटों पर बीजेपी आगे। देखिए, साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह का हरियाणा में काम किया, जनता ने कल्याणकारी नीतियों में विश्वास किया, जो फेक नरेटिव बनाया जा रहा था, जो इकोसिस्टम का दुष्प्रचार चल रहा था, उन सबको नकारा। हरियाणा के जवान, किसान, पहलवान, हर किसी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देने का निर्णय लिया और उसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। फेक नरेटिव जो है कुछ देर के लिए जो है सुर्खियों में रहती है, बाद में जो है अपने आप धराशायी हो जाती है, वो दृश्य आप देख रहे हैं। तो आपको लगता है प्रेम शुक्ला जी कांग्रेस ने जश्न मनाने में जल्दबाजी कर दी? पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि हम मोदी जी को भी जलेबी भेजेंगे, नायब सिंह सैनी को जलेबी भेजेंगे, हुड्डा कह रहे थे जल्दबाजी कर दी क्योंकि जश्न मना लिया गया था, अभी वहां आतिशबाजी हो चुकी थी। क्या है, कई बार बाल बुद्धि जो है उसके लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बाद में जो है अपनी बाल चूकों के लिए जो है बाल नोचते हैं। अखिलेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? प्रेम शुक्ला जी तंज कस रहे हैं। नहीं, मैं बाल बुद्धि पे क्या बात करूं, अभी भी हम परसेंटेज में बीजेपी से ज्यादा हैं, आगे हैं। वैसे जब जब मैंने कई चुनाव से देखा है, छत्तीसगढ़ से करीब 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब अपना सूत्रों से, अब आप लोग जनगणना काउंटिंग नहीं बता रहे हैं, अब चुनाव आयोग के सूत्रों से बता रहे हैं। चुनाव आयोग, अब हर कोई चुनाव आयोग के आधार पे बता रहा है, शुरू में चुनाव आयोग के आधार पे आप लोग नहीं बता रहे थे, अब चुनाव आयोग ज़्यादा बताने लगा तो आप लोग चुनाव आयोग पे आ गए। पहले आप लोग ज़्यादा बता रहे, आप लोग थे तो आप लोग अपना बता रहे थे। खैर, ये जो परसेंटेज है, ये 2% कांग्रेस पार्टी अभी भी हरियाणा में आगे है और हम लोग को अभी भी पूरा विश्वास है कि बाजी पलटेगी, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आएगी। क्योंकि वहाँ पे वहाँ की सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हरियाणा के लोगों को अपमानित किया है। पूरे सालों साल देखिए आप, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पहलवान हो, सबको अपमानित तो किया है। नहीं, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं, वो सुबह जब आंकड़े आए थे तो अखिलेश जी हम दिखा रहे थे, हम उन्हीं पे बात कर रहे थे, लेकिन अब जो अभी आंकड़े आए हैं वो बिल्कुल बदले हैं। प्रभु चावला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रभु जी, क्या आपको लगता है कि जो नंबर्स अभी हैं, ये पिक्चर और बदलने की कोई संभावना है? क्योंकि अब धीरे धीरे कई राउंड हो चुके हैं, 11 बजने को आ रहा है। देखो, मेरे तो जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस 40-45 साल का है। 11 पार्लियामेंट इलेक्शन मैंने देखे हैं, कम से कम 100 असेंबली इलेक्शन भी देखे होंगे। इस तरह की रेयर फेयर 2 घंटे के अंदर मेरे जन्म में तो कोई आई नहीं है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, अभी जब मैं घर से निकला तब कांग्रेस पार्टी 62 सीटों पर आगे थी, अब 34 पर आकर के अटक गई है। और उसमें ये भी अजीब की बात है कि मुख्यमंत्री भी पीछे हैं, राव साहब की बेटी भी पीछे है, विज साहब भी पीछे हैं, परंतु बीजेपी जीत रही है। तो इसका एंटी इनकम्बेंसी जब जो लोगों के खिलाफ है, मंत्री मिनिस्टरों के खिलाफ, वहाँ पर बीजेपी के जीतना अपने आप में एक ऐसा अजीब चित्र गया है। इस चीज़ ने ये प्रूव कर दिया है कि एग्जिट पोल भी फेल हो गए, मीडिया का जो लोग जाते थे हमारा, जैसे मैं तो गया नहीं, खैर जो पढ़ा मैंने, उससे लगता है कि वोटर जो सोचता है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर है भी कि मंत्री हारते चले जा रहे हैं। अभी तक हमें पता नहीं कितने मंत्री हार रहे हैं, परंतु जो आपने नाम दिखाए हैं उसके हिसाब से ये लगता है हरियाणा इलेक्शन अपने आप में ऐसा इलेक्शन है जिसे लगता है कि वोटर चुप करके फैसला करता है। अभी अंतिम रिजल्ट जब आएंगे तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं अभी ट्रेंड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि कैंडर यहाँ पर बदलते जा रहे हैं और जो हम दिखा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की साइड जो दिखा रही है उसको दिखा रहे हैं। ये बात ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन की साइड से हम लेकर के चल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की साइड अपने हिसाब से चलती है कितनी बार आती है। लेकिन प्रभु जी, अभी 3 राउंड बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे रुझान हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। और रुझानों में अगर देखा जाए तो 48 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 3 राउंड की काउंटिंग अभी तक हो चुकी है, ये भी ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। हर्षवर्धन जी, लेकिन तस्वीर तो बदली है, वो स्थिति जो कांग्रेस के फेवर में कुछ देर पहले तक नजर आ रही थी वो अब नहीं है, उससे बिल्कुल उलट है और इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ याद आ रहा है।
हर्षवर्धन, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है, मैं इसको जरा दूसरी तरह से देखता हूँ। होता क्या है, जब किसी के भी पक्ष माहौल होता है तो हम पत्रकार लोग भी, टीवी चैनल भी और एग्जिट पोल वाले भी उसी की भाषा बोलते हैं। जनता अपनी भाषा बोलती है और वो ऐसे बोलती है कि वो समझ में नहीं आता किसी को। अचानक लग रहा है कि सब कुछ पलट गया, लेकिन पलटा नहीं है ना भाई। आप हरियाणा के पूरे चुनाव को देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी 10 में से 5 सीटें लोकसभा की बचा लेती है। अब आप इसको 19 से देखेंगे तो कहेंगे 14-19 में 10 की 10 जीत गई, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की परफॉर्मेंस देखें, 2009 में 4 विधायकों वाली पार्टी थी। इसका मतलब यह हुआ कि वहां जो ग्राउंड उसने होल्ड किया वो पकड़ कर रखा हुआ। दूसरा क्या हुआ, उसकी जो लीडरशिप है उसमें कोई चेंज नहीं है। जाटों को लीडरशिप के तौर पर उपराष्ट्रपति से लेकर और दूसरी पार्टी से आए किरण चौधरी तक को आप राज्यसभा भेजेंगे, जाट हैं फिर भी भेजेंगे, वो आपको गाली दे रहे हैं फिर भी भेजेंगे, वो कहते हैं कि हमने हैसियत दिखा दी भाजपा के, लेकिन उनका जो बेसिक है क्या है, गैर जाट समीकरण। तो खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी आएंगे और सैनी जी को लाया गया था उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, पहली रैली उनकी मेरठ में हुई थी, लेकिन ओवरऑल ये काम करता दिख रहा है, संदेश ठीक गया। और अगर ओबीसी ब्राह्मण ये पूरा साथ में आता है, अहिरवाल बेल्ट साथ में आती है, तो ये बहुत अप्रत्याशित परिणाम नहीं, 14 वाला परिणाम है। एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है संजीव जी, अगर यही आंकड़े इन्हीं को आधार माने तो कहा जा रहा था कि जाट एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट देगा, कहा जा रहा था कि दलित में जो जाट हैं वो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, वो सारी जो एनालिसिस थी वो ध्वस्त होती दिख रही है और हर सेक्टर से बीजेपी को वोट मिल रहा है, ये 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 नंबर्स बता रहे। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है गौरव की, एक तो बात पहली तो ये है कि जो आंकड़े स्क्रीन पे आ रहे हैं हमको उसी का विश्लेषण करना है जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर बदलेंगे तो बदलेंगे, तब देखेंगे। तो जो अभी आंकड़े आ रहे हैं तो मैं तो इनको अप्रत्याशित इसलिए मानता हूं कि जैसे हमने, चाहे अभी किसी ने छत्तीसगढ़ इलेक्शन की बात की दिसंबर के, या मैं लोकसभा इलेक्शंस की बात करूं, चाहे अब हरियाणा की बात करें, आम धारणा के बिल्कुल विपरीत बीजेपी की बयार बहरी है। अगर ये आंकड़े सही है से तो आपको पूरा सुनते क्या कह रहे हैं उनके बाद आप लॉन्ग की सरकार बनाई, कितनी कितनी सीटें आप लॉक कर रहे हैं अभी के हिसाब से? बहुमत से, बहुमत मतलब 60-70 कुछ तो बहुमत, बहुमत। और सर क्या अगर अगर सर अगर सर नंबर्स नहीं आते हैं तो कोई वैकल्पिक सर? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, बहुमत आएगा, भले ही अभी थोड़ी देर के लिए पीछे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए वो पीछे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आखिर में बहुमत हासिल करेंगे। ये काउंटिंग है, कई राउंड्स की काउंटिंग हो रही है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अंततः कांग्रेस की ही जीत होगी। विजय मनीष के साथ रवि मिश्रा, रोहतक। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुमत लॉक कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुमत का आंकड़ा हासिल होगा कांग्रेस पार्टी को, बहुमत से ज्यादा का वो दावा नहीं कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभी जिस तरह से जिस अंदाज में बात करते हुए नजर आ रहे हैं संजीव जी, उसमें भी एक मैसेज है क्या? देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमेशा बहुमत के आसपास का आंकड़ा ही सूट करता है, क्योंकि उससे हाईकमान न्यूट पूरी तरह भूपेंद्र हुड्डा पे निर्भर करते हैं। 50 के आसपास सीट कितनी भी आती कांग्रेस की, बनते भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन उन पे नियंत्रण हो जाता हाईकमान का। अगर 47-48-50-46 ऐसी नंबर के साथ सरकार कांग्रेस की बनती है हरियाणा में, तो भूपेंद्र अपना एक छत्र वो चला सकता है और वो पूरी अपनी दावेदारी जताते हुए आज कह रहे बहुमत लॉक कर रहा हूं। प्रभु जी हुड्डा के लिए ये क्या कह सकते हैं कि उनके पॉलिटिकल करियर का ये आखिरी चुनाव? ये तो उनके इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डू एंड डाई फॉर हिम, क्योंकि अभी जब अगर इस बार पूरी उनको सपोर्ट दी गई, उनको हर चीज़ सीटें उन्होंने सेलेक्ट की, सब कैंडिडेटों ने सेलेक्ट किए, परंतु मैं कह रहा हूँ कि इतने राउंड का अभी 3 राउंड आप कह रहे हैं हुए हैं, 10 राउंड से ज़्यादा की काउंटिंग बाकी है, तो 30% वोट के ऊपर ये रिजल्ट निकाल लेना जो हो रहा है, हो सकता है यही रिजल्ट रहे, क्योंकि ये बड़ा एकदम लगता है सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में बार बार कह रहा हूँ ये जाट लैंड ये लैंड, अगर बीजेपी जो जीतती है तो जाट वाट नहीं है, समीकरण उन्होंने बदल दिए, जो मोदी का पहला समीकरण सब जातों को बांटना नहीं है, इकट्ठा कर देना है, लोगों ने मिलकर के जात के हिसाब से वोट नहीं दिए, बल्कि उनको लगता है कि बीजेपी डबल इंजीनियरिंग सरकार परफॉर्म करने के ये रिजल्ट टकर आता है। अब शैलजा के सिरसा में देख लीजिए आप, उनका वहां पर 5 में से 4 सीटें मिल रही हैं, तो जो आप ब्रेकअप दे रहे हैं और जो टोटल दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है मेरे को, कि बड़े नेता हार रहे हैं परंतु जीत रहे हैं, यानी आपके हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा
और वेट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बात तो है कि अनिल विज पीछे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री सैनी पीछे चल रहे हैं, लेकिन रुझानों में बीजेपी 47 सीटों पर आगे, कांग्रेस 36 सीटों पर। क्या ये तस्वीर फिर बदल सकती है? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये फिर बदलेगी। तीनों राउंड है, 13-13, 14-14 राउंड का वोटिंग होता है। हाँ। मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि जो छोटे राज्य है उसमें बहुत देर लगती है। तो आपको क्या लगता है कितने राउंड तक, 3 राउंड हुए हैं, कितनी देर में कितने राउंड तक? मुझे लगता है 12 बजे तक एक सेटलमेंट हो जाती है। 12 बजे तक, मतलब अभी ये भी देखना होगा। देखिए, छोटे राज्य छोटा है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी छोटी है, उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे 2-2 हजार, 3-3 हजार के शिफ्टिंग में रिजल्ट बदलते हैं। गोवा में 8 बजे तक कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रात को 8 बजे कोई और सरकार बना लेता है, क्योंकि तो क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि ये तस्वीर अभी बदल सकती है? जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है हरियाणा में वो कंटिन्यू होती नजर आ रही है आप? नहीं, देखिए समीर जी, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह समझाता हूँ तो समझ में आएगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजोरिटी थी। ये कोई पैमाना ही नहीं होता है, ये बड़ा पुराना तरीका है कि अच्छा नेता जीतेगा क्या, उसके पीछे चलेंगे क्या। जनता ने देखने का, सोचने का, वोट करने का तरीका बदल दिया है। नंबर एक, नंबर दो, बीजेपी की यूएसपी क्या है ना समीर जी, एंटी इनकंबेंसी है या नहीं है? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, बीजेपी की यूएसपी क्या है। कुछ कैंडिडेट इंडिकेटर कैसे है, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली एमसीडी, उत्तर प्रदेश, उसकी यूएसपी यही रही, प्रत्याशी बदलती थी। उत्तर प्रदेश में इस बार प्रत्याशी बदलने में रह गई, चुनाव का आंकड़ा आपके सामने। हरियाणा में कहा गया कि अरे उसने इतने लोगों का टिकट काट दिया यहां से स्थापित लोगों को, वो मुझे लगता है काम करता दिख रहा है, जो बड़े लोग रह गए हो सकता है। अच्छा देखिए, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर है, हुड्डा के गढ़ रोहतक में कड़ी टक्कर चल रही है, 4 सीटें हैं, 2-2 का यहां पर मुकाबला चलता हुआ दिख रहा है, और इधर लाडवा से नायब सैनी आगे निकल चुके हैं, कुरुक्षेत्र में पड़ती है ये सीट, लाडवा 3 राउंड के बाद सैनी 3000 वोट से आगे निकले हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर कांग्रेस पार्टी के अंदर से आ रही है। कुमारी सालजा के गढ़ सिरसा में कांग्रेस पार्टी 4 पे आगे चल रही है, 1 पे पीछे चल रही है, जबकि हुड्डा के गढ़ रोहतक में 2-2 पर कांटे का मुकाबला चल रहा है। ये क्या आगे अभी चेंज होगा? 8 राउंड के बाद जुलाना से विनेश आगे हो गई, अभी पीछे थी, अब वो फिर आगे हो गई हैं, तो तेजी से चीजें बदल रही हैं। तो ये उलट फेर नजर आ रहा है बड़ा हरियाणा में, हरियाणा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है गौरव। लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे निकल गए, अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी अगर है नहीं और अगर नायब सिंह सैनी पीछे चल रहे हैं तो फिर बीजेपी आगे कैसे है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा था, लेकिन अब लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे निकल गए हैं, ये खबर सामने आ रही है, 47 पर बीजेपी, कांग्रेस 36 पर। अखिलेश जी, क्या आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि तस्वीर बदलेगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम सुन रहे थे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वो नजर नहीं आए, कह रहे हैं बहुमत तो हासिल हो जाएगा। लेकिन जी 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 जी, देखिए पूरे देश को ही, मीडिया को हरियाणा में बीजेपी को लीड दिखने लगी, तो सिर्फ अब बीजेपी पे चर्चा हो रही है। चुनाव 2 जगह हो रहे हैं भाई। हाँ। मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, कभी कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया। हाँ। क्योंकि वो आप लोगों को नैरेटिव बनाने में सूट नहीं करता। नहीं, अखिलेश जी यहाँ पर उलट फेर हो गया ना, थोड़ा इसलिए इस पर बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अरे प्लीज, हाँ सब समझ, लोग सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ, ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ समझदार हैं, लोग सब समझ रहे हैं, चुनाव वहाँ भी हो रहा है। और प्लीज प्लीज, एक मिनट, एक बीच 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 थोड़ा मेरी बात रख देने दें, मैं किसी के बीच में, वो अपनी बात रखना चाहते हैं फिर जी, बोलिए अखिलेश जी। जी तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हरियाणा में भी तमाम पता नहीं क्या क्या सब विभाग की बात थी। हाँ। और क्या क्या कर रखा था, और वहाँ भी सुपड़ा साफ है, और अभी भी हरियाणा में हम लोग 2.25% वोट परसेंटेज में ज़्यादा हैं, और 3-4 राउंड चल रहा है, अभी लगभग 10 राउंड और होंगे, कम से कम 10-12 राउंड। नहीं, एक, एक आप बेफिक्र रहे, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको शायद अच्छा लगेगा, एक जानकारी दे दूं, अब कांग्रेस की सीटें बड़ी हैं, 39 पर कांग्रेस, 44 पर बीजेपी, तो यह आंकड़ा, जो फासला है दोनों पार्टियों का, कम हुआ है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि अभी और इंतजार करना चाहिए, देखिए आगे क्या होता है। हालांकि देखिए, अब कांग्रेस 40 सीटों पर आगे हो गई है, और 43 पर बीजेपी आगे है, तो ये फासला फिर कम होता हुआ। और हम ये बता रहे हैं आपको, दल बदलने वाले उम्मीदवारों का क्या हुआ है अभी तक, ये देखिए,
जो सावित्री जिंदल दिख रही हैं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो हिसार से आगे दिख रही हैं। इसके बाद आप देखिए निखिल मदान, जो कि बीजेपी की टिकट पर हैं, पहले कांग्रेस में थे, वो आगे चल रहे हैं सोनीपत सीट हरियाणा से। तो ये जो दल बदलने वाले उम्मीदवार हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रणजीत सिंह जो कि बीजेपी में थे, अब निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने, हालांकि हुड्डा को समर्थन देने की बात भी कह दी थी, वो रानिया से पीछे चल रहे हैं। यहीं पर अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। श्रुति चौधरी पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में, वो तो शाम से पीछे चल रही हैं। ये बहुत बड़ा परिवार है हरियाणा की राजनीति का, तो वो पीछे चल रही हैं। तो ये लेकिन कश्मीर की भी बात हम आपको बताएंगे। कश्मीर में भी लगातार धीरे धीरे वहां पर अब जो अपडेट्स आ रहे हैं, नौशेरा से बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना पीछे हो गए हैं। चार राउंड के बाद रैना 6800 वोट से पीछे हैं, जो कि बड़ा नंबर है 6800 वोट से पीछे। बिल्कुल, और खास बात गौरव ये है, जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन यहां पर लगातार आगे चल रहा है। मैं अगर चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जो रुझान सामने आए हैं उसका जिक्र करूं, और इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर जो रुझान है उसका जिक्र करें, तो यहां पर क्लियर कट मैंडेट जो है वो एनसी कांग्रेस गठबंधन के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। 49 सीटों पर गठबंधन आगे चल रहा है और बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। अखिलेश जी, अब आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि दोनों जगह हम सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में भी बना रहे हैं, हरियाणा में भी बनाएंगे। हरियाणा में भी नेक टू नेक चलना है, परसेंटेज वाइज हम जाते हैं। जैसे जैसे चुनाव गणना बढ़ती जा रही है, कांग्रेस की सीटें और परिणामों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जो हमारे जीत के लीडिंग बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी ये चहकने लगना, खुशियां मनाना कि हाँ, जितना हमें मार्जिन का उम्मीद दिख रहा था कि जितनी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लेंगे हरियाणा में, निश्चित रूप से नेक टू नेक ही होगा, डिसीजन हमारे पक्ष में आएगा। सबसे बड़ी वजह अखिलेश जी कम होगा। अखिलेश जी, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आपके हिसाब से? प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो यही उम्मीद कर रही थी कि जाट और एससी वोट बैंक कंसोलिडेट होगा कांग्रेस के फेवर में, वो होता नजर नहीं आ रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी को भी जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा तो नहीं होने जा रहा, ये कांग्रेस भी मान रही है। देखिए, श्रीमान अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको जो है जश्न मनाने की जल्दी, लेकिन इनकी पार्टी ने जश्न मनाया, जलेबियां कौन तलने लगा, पटाखे कौन फोड़ने लगा? भाई, आप सरकार तो अंतिम चुनाव परिणाम आने के बाद ही बनाएंगे, तो अंतिम चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करना ये प्रगल्भता होती है। तो प्रगल्भता का परिचय देने की बजाय आप जिस तरह के नरेटिव के शिकार हुए, उसके कारण आप 75 प्लस जब हो गया था तो तमाम जो है किस तरह की आतिशबाजियां शुरू हो गई थी, और वो पोस्टर लोटी था, और जब जैसे जैसे ट्रेंड जो है काउंटिंग बढ़ती जा रही है, ट्रेंड स्पष्ट होता चला जाएगा। और भाई, आपको जो है जो इलेक्शन का निर्वाचन आयोग जो सर्टिफिकेट है वो तो अंतिम वोट की गणना के बाद ही देगा ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्रगल्भतापूर्वक प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू एवं कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह हम सरकार बनाएंगे। उनको भी अपना विश्वास करने की उनको भी अधिकार है। नहीं, उनको अधिकार है, बस मैं इस बात पर कह रहा हूँ कि जो सवेरे सवेरे जलेबी तलने लगे उसके कारण कई बार जो है उनकी जलेबी जो है उनको जला गई। नहीं तो प्रेम जी, जलेबी खाएगा कौन ये तो बता दीजिए, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा। आप भी पीछे हो गए, जीतेगा वो जलेबी खाएगा हरियाणा में, जो जीतेगा वो जलेबी खाएगा। हमें विश्वास अपनी जीत का है, उनको विश्वास अपनी जीत का है। लेकिन मैं मीडिया को गालियां नहीं दे रहा हूँ, मैं मीडिया पर कोस नहीं रहा हूँ, वो कोसने पर आमादा है। जलेबी ठंडी ना हो जाए सर की हो गई है, तो लड्डू बीजेपी का हो गया है, तो आप कहाँ लड्डू बटेगा? यदि हरियाणा में बटेगा या जम्मू कश्मीर में बटेगा या जलेबी का ही खाई जाएगी? हाँ। मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं हो जाए कि दोनों चीजें गरम, जलेबी गरम खाने से कई बार मुंह भी जलता है। एक चीज है और वो बहुत अहम है, जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए प्रभु सर, किसी भी एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में इस तरह की फाइट नहीं बताई गई। अधिकतर ने बताया एक तरफा हरियाणा में 5-6-10 सीटें ऊपर नीचे कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन ये बिल्कुल अलग पैटर्न पे जा रहा है। ये ट्रेंड आप दिखा रहे हैं सुबह से, अगर आप देखें वेरिएशन कितना हो रहा है, अभी 5 मिनट से आप 43-40 पे अटके हुए हैं, पहले हर मिनट बाद चेंज होता था, तो ये स्लो हो गया मूवमेंट अभी ट्रेंड का जो दिखाना शुरू हुआ है। पहले हर 3 मिनट में कोई ना कोई फर्क होता है, 5 मिनट में देख रहा हूँ वहीं के वहीं अटके हुए हैं। इसका ट्रेंड काउंटिंग में कहीं स्लो हो रहा है या ट्रेंड आ नहीं रहा है ठीक तरीके।
तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर। सवाल ये है कि जिस तरह से आप पहले दिखाइए पार्टी के ऑफिस में क्या हो रहा है, आपके रिपोर्टर से वहाँ से पता लग जाएगा कि बीजेपी के दफ्तर के अंदर कितना शोर मच रहा है। जैसे कांग्रेस लड्डू बांटे सुबह, आज लड्डू बीजेपी के दफ्तरों में बट रहे हैं कि नहीं, कि बीजेपी प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, परंतु माहौल दिखाई देता है जब आप कैंडिडेट से बात करते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से पार्टी ऑफिस में जाकर के बात करेंगे, मेरे को वहाँ से लगता है कि बीजेपी वाले अब इतनी शोर नहीं बचा रहे। शुक्ला जी अभी बात कर रहे थे, पहले की भाषा उनकी थोड़ी देर पहले को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, अब दोबारा जब देखा 43 पे आ गए तो उन्होंने फिर थोड़ी थोड़ी कम कर दी कि हमें सोचना चाहिए। मैं भी यही कहूंगा अभी थोड़ा अर्ली है, थोड़ा दिन वेट कर ली, थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा ठीक है बाद होगा, पर तो कांटे की टक्कर एक्सपेक्ट नहीं थी जो हो रही है। बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, पहले से ज़्यादा कैंडिडेट बदले हैं या नहीं बदले हैं, परंतु बीजेपी की साख अभी तक बनी हुई है ऐसा लगता है इसके। बिल्कुल बीजेपी की साख अभी भी बनी हुई है लग रहा है। फिलहाल जो कांटे की टक्कर नजर आ रही है 43-40 का ये जो आंकड़ा हमारे सामने है ये तो यही कहानी कह रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में शुरू से लेकर अब तक जो आंकड़े हैं वो बहुत क्लियर कट हैं। क्लियर मैंडेट एनसी कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा है। आप किस तरह से बशीर साहब इसे देखते हैं? बीजेपी 27 सीटों पर आगे और गठबंधन 49 सीटों पर आगे, पीडीपी 4 पर सिमटती नजर आ रही है रुझानों में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जी, चुनाचे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम वोटिंग हुई तो वो ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, वो पूरा का पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस वो 10 सीटें 11 सीटें जा रही है वो डिसाइडेड है। इसी तरह गांदरबल, कंगन, बड़गाम, चारी शरीफ, खान साहब और चाडोरा, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ऑलमोस्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसीलिए हमें स्टैग्नेशन लग रही है। नंबर वन। नंबर टू, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है ये आहिस्ता आहिस्ता 20 पे लुढ़क कर जाएगी जहाँ तक मेरा असेसमेंट है जम्मू रीजन में, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है वहाँ आपको दिख रहा है जो 10 निर्दलीय दिखा रहे हैं आप जी, इसमें 5 जम्मू रीजन से जा रहे हैं। ओके। और कांग्रेस जहाँ पे उनकी कंडीशन मजबूत है, स्थिति मजबूत है, वहाँ पे वो राउंड मैं अभी पीछे दिख रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है, पूरा यकीन है कि ये आंकड़ा बदल जाएगा। बशीर असद साहब, ये जो अदर्स हैं इनके बारे में क्या कहना है आपका, इनका नंबर कहां तक आप देख रहे हैं? अदर्स 8, 7-8 के बीच में सिमट कर, 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 ठीक है।